में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता।